हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 19 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 43। कितनी है? 43। ये देख लीजिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 43। इसको रिलीज कौन करता है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इसको 1989 से इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा रिलीज किया जा रहा है। इस बार जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है इसको टॉप किसने किया है? तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और सेकंड प्लेस पे आया है स्वीडन। टोटल 64 कंट्रीज की रैंकिंग की गई है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। याद रखिएगा 4 पैरामीटर्स पर रैंकिंग की जाती है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4 पैरामीटर भी याद रखिएगा, साथ ही साथ इंडिया की रैंक और टॉप 2 कौन सी कंट्रीज हैं ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी करता है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स को किस कंट्री द्वारा टॉप किया गया है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को हमेशा जब से ये जारी हो रहा है तब से आइसलैंड द्वारा टॉप किया जा रहा है। किससे? विश्व शांति सूचकांक, आइसलैंड टॉप करता है इसको। इस बार 15th एडिशन जारी किया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स का। 163 कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई है, 163 कंट्रीज़ की। ग्लोबल पीस इंडेक्स को कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये सिडनी में है, जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी करता है। इंडिया को 2 प्लेसेस का फ़ायदा हुआ है। इस बार इंडिया की रैंक है 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 135, याद रखिएगा। आइसलैंड वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री है 2008 से। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है उसकी स्थापना हुई थी 2008 में, सिडनी में स्थित है। बाकी ब्रांचेस को आप इंपॉर्टेंस नहीं है ब्रांचेस की, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप जो बनाया जाता है उसमें मेंबर के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया है? तो हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इसमें मोंटेक सिंह आलूवालिया को एक मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। ये हैं मोंटेक सिंह आलूवालिया, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं मोंटेक सिंह आलूवालिया। इनको IMF और वर्ल्ड बैंक के हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप में एक मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। बाकी इतने सारे मेंबर हैं लेकिन आपको याद रखना है मोंटेक सिंह आलूवालिया को वर्ल्ड बैंक और IMF के हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप में मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। मोंटेक सिंह आलूवालिया ये पहले जो है प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के उप चेयरमैन रह चुके हैं। चेयरमैन कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO में इंडिया का जो परमानेंट मिशन है उसमें काउंसलर के तौर पर आशीष चंदोड़कर को अपॉइंट किया गया है। किसको? आशीष चंदोड़कर। आपको पता है कितने वर्षों के लिए आशीष चंदोड़कर को काउंसलर बनाया गया है? आशीष चंदोड़कर को WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया के परमानेंट मिशन के लिए काउंसलर बनाया गया है 3 वर्षों के लिए। कितने? 3 वर्षों के लिए। ये हैं आशीष चंदोड़कर, नाम याद रखिएगा आशीष चंदोड़कर। इनको WTO में इंडिया के परमानेंट मिशन के लिए 3 वर्षों के लिए काउंसलर बनाया गया है, आशीष चंदोड़कर, नाम याद रखिएगा। पहली बार किसी प्राइवेट पर्सन को बनाया गया है इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। आशीष चंदोड़कर WTO में इंडिया के काउंसलर बनाए गए हैं, नाम याद रखिएगा बस। चंदोड़कर जो है बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है, स्माही फाउंडेशन, उसमें काम करते हैं चंदोड़कर। WTO की बात करें 164 मेंबर हैं WTO की। इंडिया जो है 1995 से WTO का मेंबर है, यानी कि जब से स्थापना हुई WTO की। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को WTO ने GATT को रिप्लेस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको रिप्लेस किया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है? तो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल हैं WTO की कौन? नजोकी ओकोंजो इविला, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक यानी जो केंद्रीय बैंक होती है किसी कंट्री की उसके द्वारा सरप्लस देने में किस कंट्री ने टॉप पोजीशन हासिल की है? तो सेंट्रल बैंक द्वारा सरप्लस अचीव करने मतलब कि प्राप्त करने में सबसे ज्यादा टॉप पोजिशन तुर्की ने हासिल की है। इंडिया की रैंक है सेकेंड, तुर्की है फर्स्ट पे। इस बार RBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 99,122 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया। कितना? 99,122 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया है।
जो कि पिछली बार से 73% हाइयर है। और ये सरप्लस सिर्फ 9 मंथ के लिए दिया गया है, आपको पता ही है, क्योंकि RBI ने अपना जो फिनेंशियल ईयर है, मतलब अकाउंटिंग ईयर है, उसको चेंज कर दिया है, एज गवर्नमेंट कर दिया है। पहले कितना था, जुलाई से जून था RBI का अकाउंटिंग ईयर, अब हो गया है अप्रैल टू मार्च। तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि सरप्लस कितना ट्रांसफर किया, वो याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ लेंगे। RBI टोटल GDP का 4.44% सरप्लस ट्रांसफर करता है, वहीं टर्की की जो सेंट्रल बैंक है वो 0.5% GDP का सरप्लस ट्रांसफर करती है। तो इंडिया की रैंक है सेकंड सरप्लस लेने में। RBI की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में RBI की स्थापना हुई थी। बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। फर्स्ट RBI गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं 25th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन से इंडियन क्रिकेटर को बनाया गया है। तो युवराज सिंह को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये देख लीजिए, प्यूमा एक स्पोर्ट ब्रांड है, प्यूमा जर्मन स्पोर्ट ब्रांड है, यानी जर्मनी की ब्रांड है प्यूमा। युवराज सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC कार्ड सर्विसेज द्वारा एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया गया है, सगुन। आपको पता है किसके साथ मिलकर LIC कार्ड सर्विसेज ने ये सगुन कार्ड लॉन्च किया है। तो IDBI बैंक के साथ मिलकर LIC कार्ड सर्विसेज ने सगुन प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, सगुन प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है जिसको LIC कार्ड सर्विसेज ने IDBI बैंक के साथ मिलकर रुपए प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। NPCI ने LIC और IDBI बैंक को परमिशन दे दी है कि सगुन गिफ्ट कार्ड को आप रुपए प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, 500 से लेकर 10,000 तक की शॉपिंग कॉन्टैक्टलेस तरीके से की जा सकती है। और याद रखिएगा, जो कस्टमर ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी है वो 3 वर्षों तक है। खैर, इतना डीपली नहीं पूछेंगे। सगुन प्रीपेड गिफ्ट कार्ड किसने लॉन्च किया, LIC एंड IDBI बैंक ने। IDBI बैंक की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, राकेश शर्मा इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रॉड ट्रेवलिंग यानी विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए किस कंट्री द्वारा वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। तो जापान ने वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, जापान ने अनाउंस किया है कि अगले साल से नहीं जापानीज ट्रैवलर के लिए जापानीज गवर्नमेंट द्वारा वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। ओलंपिक गेम्स भी होने वाले हैं। वैक्सीन पासपोर्ट की खास बात ये रहेगी, वैक्सीन सर्टिफिकेट उसमें शामिल रहेगा, यानी आपने वैक्सीन ली है कि नहीं, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। तो याद रखिएगा, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं वैक्सीन, मतलब बाहर के लिए। तो वैक्सीन पासपोर्ट जापानीज गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जापान की बात करें, टोक्यो कैपिटल है, करेंसी क्या है, जापानी सेम। प्राइम मिनिस्टर हैं योशीहिदे सुगा। जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट, याद रखिएगा, और रशिया की ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस यानी ADMM+ को किसने एड्रेस किया है। ADMM+ मीटिंग को एड्रेस किया है राजनाथ सिंह जी ने। किसने, राजनाथ सिंह जी ने। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया गया है। यहाँ पर उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन सुखना का जो है वैल्यूज़ बताई इंडिया की, ये हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, जो आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस हैं, इसमें 10 आसियान मेंबर कंट्रीज तो होती हैं, साथ ही साथ 8 पार्टनर कंट्रीज होती हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा कंट्रीज जुड़ जाती हैं ADMM+ वार्ता में, तो 8 अदर कंट्रीज जुड़ जाती हैं। 15वां आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग चल रहा है, जिसको ब्रुनेई द्वारा होस्ट किया जा रहा है। 15th एडिशन था ये आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग का। आसियान की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, एशियन नेशन, 1967 में स्थापना हुई थी, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। 10 मेंबर्स हैं आसियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई द्वारा एक टीवी चैनल सेक्टर पोर्टल लॉन्च किया गया है। ट्राई की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में ट्राई एक्ट के द्वारा ट्राई की स्थापना हुई थी। ट्राई ने रिसेंटली एक टीवी चैनल सेक्टर पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल क्या करेगा, जो मोबाइल फ़ोन नहीं है जिनके पास, वो ट्राई के जो टीवी चैनल्स हैं, सॉरी, जिनके पास खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो वेब ब्राउजर से जाकर ट्राई के सारे, मतलब कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं, वो डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये अच्छी बात है ना, अभी तक हम टीवी चैनल नहीं देख पाते थे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे सर्च किया करते थे,
आप टीवी चैनल भी देख पाएंगे वेब ब्राउजर के थ्रू। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन है राम सेवक शर्मा, सेक्रेटरी कौन है सुनील के गुप्ता। तो ट्राई की स्थापना याद रखिएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने UPI ऐप पर टोकनाइज कार्ड सर्विस ऑफर करने के लिए किसने इंडियन बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो गूगल पे ने टोकनाइज्ड कार्ड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। ये सारी बैंक्स हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। अपने UPI ऐप पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अपने UPI ऐप पर टोकनाइज्ड पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए गूगल पे ने पार्टनरशिप की किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ। ये जो टोकनाइज्ड पेमेंट सिस्टम है ये वीज़ा नेटवर्क पर प्रोवाइड की जाएगी। गूगल पे की बात करें 2015 में स्थापना हुई थी इसकी, 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, CEO है सुंदर पिचई। करीम खान ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नए चीफ प्रोसिक्यूटर के तौर पर शपथ ली है। आपको बताना करीम खान किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं UK से। कहाँ से? UK से। ये देख लीजिए, ये हैं करीम खान, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नए चीफ प्रोसिक्यूटर बने हैं। ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? ब्रिटिश हैं करीम खान, याद रखिएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि करीम खान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नए चीफ प्रोसिक्यूटर बने हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? UK यानी ब्रिटेन से। रिप्लेस किसको किया है? तो गाम्बिया के फताओ बेन सौदा को रिप्लेस कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये रोम स्टैचू के द्वारा स्थापित किया गया था। जो रोम स्टैचू है वो 1998 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब स्थापित किया गया था? 2002 में। तो ये इतना अंतर याद रखिएगा। हेडक्वार्टर है हेग नेदरलैंड में, और इंडिया US और चाइना रोम स्टैचू यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सिग्नेटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यू पावर के करंट में MD एंड चेयरमैन कौन है? तो CMD चेयरमैन एंड MD रिन्यू पावर के हैं सुमंत सिन्हा। कौन है? सुमंत सिन्हा। चर्चा में क्यों है? ये हैं सुमंत सिन्हा, इनको UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट से सम्मानित किया गया है। UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट से सम्मानित किया गया है सुमंत सिन्हा को, जो कि रिन्यू पावर के MD एंड चेयरमैन है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि सुमंत सिन्हा ने रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में बहुत बेहतरीन काम किया है। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछेंगे तो सिर्फ इतना ही पूछेंगे, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट से किसको सम्मानित किया गया है? सुमंत सिन्हा को सम्मानित किया गया है, जो कि रिन्यू पावर के CMD हैं। जो UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट है ये 10 सिद्धांतों पर काम करता है। ये 10 सिद्धांत हैं, कई सारे लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है। 2000 में लॉन्च हुआ था UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट। हेड कौन है इस समय? सैंडा ओजियाम्बो, सुमन सिन्हा का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपियन कंट्री द्वारा, यूरोप की किस कंट्री द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट किया गया है? तो एग्रीमेंट नहीं, मतलब एग्री हो गए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए UK और ऑस्ट्रेलिया। कौन? UK और ऑस्ट्रेलिया। देख लीजिए, बोरिस जॉनसन है, ये स्कॉट मॉरिसन है। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, बोरिस जॉनसन UK के। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कंडीशंस पर एग्री हो गए हैं। अब क्या होगा? जो ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को UK भेज पाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब हमारे पे आप शुल्क मत लगाओ, हम आप पे शुल्क नहीं लगाएंगे। तो UK ऑस्ट्रेलिया आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। UK में जो लॉकडाउन है वो जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। UK की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व किया जाता है। 18 जून, अब ये दिन तो हमेशा याद रहेगा। लास्ट ईयर हमारे यहाँ एक लोगों ने सुसाइड कर ली थी कोविड क्राइसिस के चलते, उनकी जॉब वगैरह चली गई थी, और इस बार भी कई सारे लोगों ने सुसाइड कर ली। तो कोरोना से तो लोग मर ही रहे हैं, लेकिन अलग भी कारण है। खैर, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे याद रखिएगा, 18 जून को ग्लोबली मनाया जाता है। UN जनरल असेंबली द्वारा 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। गैस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? पाक कला यानी खाना बनाने की कला, ये होता है गैस्ट्रोनॉमी। अच्छा, इंडिया में किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी के लिए यूनेस्को ने सिलेक्ट किया है? तो हैदराबाद को, इतना याद रखिएगा। तो 18 जून को गैस्ट्रोनॉमी डे, और 18 जून को ही ऑस्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है, दोनों याद रखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सिंह राजावत निधन हो गया, और केनेथ कौंदा इनका भी निधन हो गया, ये देख लीजिए। ये हैं रघुवीर सिंह राजावत,
महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था रघुवीर सिंह रजावत, ब्रिगेडियर रहे हैं इंडियन आर्मी में, इनका निधन हो गया। बर्मा वार के समय जापान से भी इन्होंने फाइट की, रघुवीर सिंह रजावत, निधन हो गया है। दूसरे हैं केनेथ कौंडा, जाम्बिया के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। केनेथ कौंडा जाम्बिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका निधन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जाम्बिया के प्रेसिडेंट केनेथ कौंडा का निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इन दोनों का इजिली जवाब दे पाएंगे। मंडे को मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।